दोस्तों, क्या हो अगर हम समुद्र से सारा नमक निकाल लें? क्या हमारी फ्रेश वाटर की कमी पूरी हो जाएगी? दोस्तों, पीने का पानी का कमी बहुत जगह पे है, खास करके फ्रेश वाटर जो हम पीने को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो अगर हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी ही ना हो, जितना चाहे नहा पाए, जितना चाहे पानी इस्तेमाल कर पाए। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। समुद्र हमेशा से खारा नहीं था, तो ये खारा कैसे हुआ? दोस्तों, आज से करीब 3.8 बिलियन साल पहले पृथ्वी का सतह इतना ठंडा हो गया कि वाटर वेपर पानी में बदल गया और धरती पर पानी भर गया, पर ये पानी खारा नहीं था। लेकिन जब जब बारिश हुआ, तब तब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुलकर एसिडिक हो गया और यही पानी नदियों और तालाबों से सॉल्ट और मिनरल्स को लेते हुए समुद्र में मिलने लगे, और सागर के नीचे जो वॉल्केनो थे वो भी फटने से काफी मात्रा में सॉल्ट और मिनरल्स इसमें मिलने लगे। ये सब बार बार होने से सागर बहुत ही सॉल्टी हो गया। दोस्तों, सागर में इतना नमक है कि अगर हम इसे पृथ्वी पर फैलाए तो ये 40 मंजिला जितना ऊंचा इमारत बन जाएगी पूरे पृथ्वी पर। आखिर 97% पानी खारा जो है। तो क्या होगा अगर सारा नमक निकाल लिया जाए? क्या इससे हमारा फ्रेश वाटर की कमी पूरी होगी? तो दोस्तों, जवाब है नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो समुद्री जीवन खत्म हो जाएगी, पृथ्वी के वातावरण पर इसका भयानक असर होगा और जीवन मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, समुद्र में बनने वाली एल्गा यानी काई हमारे पृथ्वी के फोटोसिंथेसिस में काफी योगदान करता है। अगर नमक निकाल लिया जाए तो ये नहीं होगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा जिससे कुछ जगह जम जाएगा तो कुछ जगह असहनीय गर्मी हो जाएगी। समुद्र में आने वाली तूफान में बढ़ोतरी होगी और बहुत खतरनाक भी होगी। तो दोस्तों, समुद्र से नमक निकालना क्या सही होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको बिना किसी झंझट के मिलती रहे।